दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात ध्यान दें, 3 तारीख को दिल्ली में स्पाइस जेट के 2 वॉक इन इंटरव्यू होने वाले हैं। एक वो जो जिसका वीडियो का इस थंबनेल अभी आप देख पा रहे हैं, ये जो वैकेंसी है दोस्तों, ये जो वॉक इन इंटरव्यू होने वाला है टर्मिनल 1 में जो स्पाइस जेट का ऑफिस है वहाँ पर दिल्ली में ये वॉक इन इंटरव्यू है ग्राउंड स्टाफ के लिए, और ये जो वैकेंसी बता रहा हूँ मैं अभी, ये दूसरी वैकेंसी है। सो फ्रेंड्स प्लीज़ टेक केयर। दोस्तों आज की वैकेंसी में हम बात करेंगे स्पाइस जेट की जो वॉक इन इंटरव्यू होने वाला है उसके रिगार्डिंग। फ्रेंड्स नोट डाउन, ये वॉक इन इंटरव्यू है, इसके रिगार्डिंग आपको अप्लाई कहीं नहीं करना है। ये जो पोजीशन है सीनियर एक्सक्यूटिव या एक्सक्यूटिव एचआर टैलेंट एक्विजिशन, और इसमें केवल फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों डाउट बिल्कुल नहीं रखना है, इसमें केवल और केवल फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। अगर बात करें की स्किल्स की तो एम्प्लॉई स्क्रीनिंग, सेलेक्शन, हायरिंग, सोर्सिंग, जॉब पोस्टिंग, रिक्रूटमेंट, इसके अलावा टैलेंट एक्विजिशन, इंटरव्यूइंग द कैंडिडेट्स, स्क्रीनिंग और इंटरव्यू की शेड्यूलिंग, कैंपस हायरिंग, मास हायरिंग, शॉर्टलिस्टिंग एंड हेड हंटिंग, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो फंक्शंस हैं एक एचआर के वर्क में आती है की स्किल्स। बात करें अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इस वैकेंसी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आप एक एक्सपीरियंस्ड एचआर प्रोफेशनल होने चाहिए, आपकी एक्सपीरियंस 1 to 5 ईयर होना चाहिए और क्वालिफिकेशन MBA PGDM HR में होना चाहिए। वैकेंसी से रिलेटेड जो भी आपको जॉब इन्फॉर्मेशन हैं, उसमें जो भी आपको की स्किल्स थी ये उसी से रिलेटेड है। यहाँ पर आपको जो भी जॉब पोर्टल्स हैं उसके थ्रू बल्क हायरिंग करनी पड़ती है, रिक्रूटमेंट करना पड़ता है, प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट करके दोबारा से वॉक इन इंटरव्यू कंडक्ट कराना पड़ता है, वॉक इन ड्राइव्स आपको शेड्यूल करने पड़ते हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको एक्ट करना पड़ता है। इसके अलावा जो भी आप रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, जो भी आप इंटरव्यू ले रहे हैं, उनका सारा डिटेल आपको रखना होता है। इसके अलावा अगर एक बार इंटरव्यू कंप्लीट हो जाता है तो आपको सैलरी नेगोशिएशन करनी पड़ती है, ऑफर लेटर प्रिपेयर करना पड़ता है और उसके बाद जो फर्दर फॉलो अप है वो करना पड़ता है। जितने भी सोशल मीडिया के हायरिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे वो अकाउंट्स हो, CV शॉर्टलिस्टिंग, CV डैशबोर्ड, सबसे आपको गो थ्रू और सही से वेल वर्स्ड होना चाहिए। अगर बात करें रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की, डॉक्यूमेंट्स में केवल आपको लेकर जाना है आपका अपडेटेड रिज्यूम और जो भी पर्टिकुलर जो लोकेशंस है वहां पे आपको जाकर इंटरव्यू देना है। ड्रेस कोड आपका फॉर्मल होना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रहे। यहाँ पर स्पाइस जेट एक बात क्लियर करती है कि वो किसी भी फॉर्म में पैसों का लेन देन नहीं करती है जॉब के लिए, और अगर आपके साथ फ्रॉड हुआ है तो ये जो 2 ईमेल आईडी देख रहे हैं इस पे आप सारा डिटेल भेज सकते हैं। एंड फ्रेंड्स अब बात आती है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंटरव्यू लोकेशन और डेट के बारे में। दोस्तों 3rd of December 11 to 1 PM 11 से 1 बजे के बीच में बिल्डिंग नंबर 323 उद्योग विहार फेज 4 गुड़गांव 16, ये स्पाइस जेट का ऑफिस है गुड़गांव में। दोस्तों आप में से बहुत लोग अभी भी पूछेंगे कि अप्लाई कैसे करना है, तो दोस्तों अप्लाई नहीं करना है, ये आपको वॉक इन इंटरव्यू है। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो अपना रिज्यूम लीजिए और जो भी आपको अटायर है, जिस तरह से आपको बताया गया है, जिस तरह के कपड़ों में आना है, जाइए इंटरव्यू दीजिए। कोई डाउट परेशानी होगी तो वीडियो कमेंट में कमेंट कीजिएगा या फिर मुझे मैसेज करें मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे, आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड यू। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, जय हिंद।